Together Forever is just the beginning. It's just the startup. It's just the appetizer. It's just the snacks before the main course meal. Wow. And the main course meal is Honey 3.0. Just keep it locked and keep blessing your Honey Singh. Of course. Honey Paji, Sashrikal. Sashrikal, Sashrikal. What's happening, everybody? Everybody, from the moment I started, they were like, ki, where is Honey Paji? We are here only and only for your Honey Singh. They are your fans forever. Like, together forever, they are your fans forever. Thank you so much. मेरे को भी काउंट करना पाजी, मैं छुट्टी वाले दिन काम कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए. थैंक यू सो मच. इन फैक्ट यू नो व्हाट पाजी, आपको वेलकम करने के लिए ना मैंने थोड़ा कुछ लिखने की कोशिश की थी, सो लेट मी ट्राई टू गिव यू अ नाइस वेलकम विद दैट. सो मैं पढ़ के ही बोल पाऊंगी, इतनी नर्वस हूँ. कुड़ी पावे 15 साल तो कट होवे या अदर 28 लक होवे, पावे वो हाई हील्स पौंदी होवे या ब्लू आईज चमकौंदी होवे, कदम एना दी अंग्रेजी बीट ते थिरकदे ने, ताही ता अज वी लोकी यो यो जपदे ने. सो वेलकम हनी पाजी टू वी टाइम. वेरी नाइस, यू रियली गुड इन इट, रियली गुड इन इट. बस मेरा हो गया. और लिखो, और लिखो. That's so sweet of you. Thank you so much, Paji, and thank you for Together Forever as well. मतलब जहाँ मैंने expect किया था कि perhaps you're gonna get another banger, you came up with such a sweet romantic track. ये कहाँ से एकदम Paris के trip के बाद जहाँ पे already, and yes of course, oh my God, I have to say so many things to you. पेरिस का ट्रिप जब मैंने सुना और जब मैं मिलन पाजी से मिली, and I got to know कि उसके अंदर लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में, it blew my mind. It was so good and it is so rare. I don't know the technical term for it, but I know softwares use hote hain music production mein. But aapne dholak se leke everything was live. Paji, haath rakh do sar pe kasam se. Thank you. Wo actually mera purana style hai. Jab main Punjab mein music production karta tha, to main live instrumentation bahut karta tha aur उसमें पीछे एक तुम्बी स्टाइल में इलेक्ट्रिक गिटार बजवाई है मैंने, जो गाने की मेन मेलोडी को लूप कर रही है. सो इट्स लाइक, मेरे को ये लगता है कि सबसे ज्यादा म्यूजिकली रिच ऑडियंस होती है अपने सब कॉन्शियस में, उनको दो मिनट में गाना पसंद आता है या नहीं आता है. तो इससे आप ये जान सकते हैं कि उनकी सबकॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एक अच्छे गाने को पिक करने के लिए. हर आर्टिस्ट को अपना गाना अच्छा लगता है, उसको लगता है मेरा गाना पता नहीं क्या है, बहुत ही कमाल है, लेकिन फाइनली जब लोग पसंद करते हैं तो वो एक्चुअली में पता लगता है कि ये कमाल है, तभी पसंद कर रहे हैं लोग. तो इस जिसे क्या बोले, रेसिपी को मैंने बड़े सालों बाद दोबारा यूज किया इस गाने में, ढोलक पे ये गाना बनाया पेरिस का ट्रिप, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इट्स सो कूल, एंड इवन टुगेदर फॉर एवर इज रॉकिंग ऑनेस्टली. सो अब मुझे ये भी जानना है कि इस मूड में आप कैसे आए, राइट फ्रॉम द देसी पंजाबी वाइब्स, एंड इसमें भी पंजाबी है, ये तो मतलब मेरा तो फेवरेट है. मेरे को चाहे पंजाबी अच्छे से बोलनी आए या ना आए, समझ एकदम तरीके से आती है. Yeah, it's 'cause I'm in love again. So, not again, wow. I'm gonna say it again. I'm in love. Right now, and ये गाना मैंने उन्हीं के लिए लिखा है, और मेरी एल्बम आ रही है हनी 3.0, जो पूरी रोमांस और डांस एल्बम है, तो वो पूरी एल्बम मैंने उसी लड़की के लिए लिखी है जो अब मेरी जिंदगी में है. और बहुत सारे चेंजेस हैं हनी 3.0, उन्होंने मुझे ही नाम दिया है खुद, क्योंकि और she said like this is your third life now, this is your third version. So, उसने मुझे बोला कि यो यो तो लोगों ने देखा, यो यो हनी सिंह देखा, अब हनी 3.0 हुआ है. So, मैंने कहा लेट्स कीप दिस द नेम ऑफ द एल्बम एंड लेट्स मेक एल्बम ऑन इट. तो अगले साल जनवरी में या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में मेरी एल्बम आएगी जिसका नाम है हनी 3.0, और ये मेरा प्रॉमिस है सारे फैंस को कि ये जस्ट एक एल्बम नहीं है, ये वाकई में मेरा एक पर्सनैलिटी में बदलाव है और मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छा बदलाव है, और ये मेरा थर्ड वर्जन है. और जब भी ये कोई थर्ड एल्बम नहीं है, ये एक थर्ड वर्जन है, और जब भी आप कोई वर्जन नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो वो पुराने वर्जन डिलीट कर देता है अपने आप. तो ये मेरा प्रॉमिस है
कि पुरानी एल्बम्स आपके दिलो दिमाग से निकल जाएंगे जब आप हनी 3.0 को सुनेंगे। और नहीं, हमको पुरानी भी रखनी है प्लीज, बहुत बहुत प्यारी लगती है हमें। पुराना स्टाइल है लेकिन इतना कुछ नया भी है जो मुझे डैम श्योर हूं मैं कि बहुत पसंद आएगा लोगों को। Wow, that is so cool. So I really want to know कि जो पहली बार together forever आपकी you know जो dedication, जो आपकी inspiration है उन्होंने सुना था, तो उनका first reaction, that smile, that expression, I really want to know what exactly was that. Yeah, she smiled and she loved it. She got a beautiful smile and she loved it and she is really beautiful and out of this world. She's a very beautiful human being as well and मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हुए उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में। सो आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज इन माय लाइफ राइट नाउ एंड इट्स लाइक शी इज मेकिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ, नॉट शी इज मेकिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ, द लॉट्स ऑफ चेंजेस ऑलरेडी हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ हर एंड आई एम हैप्पी। काफी वक्त से मैं खुश नहीं था, मेरी आंखों में एक उदासी थी और कोशिश करता रहा खुश रहने की लेकिन एक आंखों में उदासी थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जिंदगी का मजे ले रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत रोमांटिक हो रखा हूँ, तो बहुत सारे रोमांटिक गाने लिखे हैं मैंने और हनी 3.0 में काफी रोमांस है, काफी रोमांस है। मुझे ऐसा लगता है कि रोमांस कभी नहीं मरता। ब्राउन रंग में भी रोमांस था, ब्लू आईज में अलग तरीके के स्ट्रीट लड़के का रोमांस था, लव डोज में एक मच्योर लड़के का रोमांस था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना भी एक रोमांस था। तो बट टुगेदर फॉरएवर इज जस्ट द बिगिनिंग, it's just a startup, it's just the appetizer, it's just the snacks before the main course meal. Wow. And the main course meal is Honey 3.0, just keep it locked and keep blessing your Honey Singh. We will be. Boy, and I'm sure... Dope boy Leo just joined us. Leo is my favorite human being and he's my one of the greatest artists jisne breakup party gaya tha. Aur kaafi waqt se mujhe mila nahi hai Leo. Lekin I hope... I'm gonna see him. I'm gonna make some songs together with him. Oh, अब तो इतने सारे गाने आने वाले हैं. I don't know which one will be coming first, but we are really, really excited for each one of them. And the moment you said now that she's, when you were talking about your love interest, and you said she's very beautiful. She's a very beautiful human being. I'm sure she must be listening to all of this, or अभी she must be blushing also. वो भी पूरा pink हो गए होंगे अच्छे से. And that is really cute. I must tell her the color suits you, darling. The pink color of blush that suits you. So nice. And Pashi, you said ki ab meri aankhon mein khushi dikhti hai. You know, whenever it comes to our Punjabi singers, rappers or artists, maine jitne interviews kiye na, chahe maine live kiye hain, chahe Zoom pe, chahe 101 kiye hain, I've seen them ki wo kabhi na shades nahi utarte. Din ho, raat ho, wo kabhi shades nahi utarte. Is this because you're not wearing shades today? Because you really want people to know ki aaj aankhon mein kitna pyar aur khushi hai? Haan, ye bhi hai, lekin generally main interviews mein sunglasses nahi pehnta hoon. क्योंकि मैं दिल की बात आंखों से कहना चाहता हूँ और दिल की बात एक्चुअली आंखों से ही कही जाती है और आंखों में ही सब कुछ है और आंखें एक रास्ता है दिल तक पहुंचने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरे फैंस जो मुझे इतना प्यार करते हैं, दे आर लाइक फैमिली टू मी, दे आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू मी एंड आई वांट देम टू नो दैट आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स एंड कीप ब्लेसिंग मी लाइक दैट। That is so sweet. You know, you actually gave me goosebumps right now, and it doesn't happen often. मैं generally I talk मतलब अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, मतलब बात करने के ही पैसे मिलते हैं मुझे कैंची की जैसी जुबान के, but I generally don't get nervous or I don't get goosebumps. Today I'm getting one. So I think कि अभी ना इस माहौल में आपका गाना तो बनता है। I know आप थक गए होंगे, शायद आप सुबह से interviews भी दे रहे होंगे, but थोड़ा सा वो जो है ना पार्ट वेर यू से काली गड्डी काली रात, दैट स्टैंजा इफ यू कैन रिमेम्बर, इफ यू कैन सिंग दैट वन। काली छत वाली गड्डी च काली रातां कट्टियां, नेड़े भी नहीं आउण देंदा इंडस्ट्री दी नड्डियां, तेरे मेरे बारे गल्लां हुंदी वड्डियां, पैरां च पंजेबा तेरे चुम्मा तेरी अड्डियां, चाहुना किन्ना चाहुना तेनू दसा, बेबी यू रोंग एरे रोना, किन्ना रोना तेनू दसा, बेबी छड़ फॉरगेट फॉरएवर 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 रहना है टुगेदर टुगेदर टुगेदर। That is so sweet. I want to tell it to everybody who says that Punjabi music or Punjabi songs are all about swag and stuff. I mean, bhai, lyrics sunke to dekho. He's saying, "Pairon mein pajeb aur main teri addiyan chumna chahta hu." So that is like really sweet and romantic.
So yeah. all those people who think that Punjabi music is all about just dancing and it's all about whatever you feel like writing. Of course, we write whatever we feel like writing, but that's what makes Punjabi us so special, mein, right, Pazi? Punjabi poetry mein Punjabi zuban itni meethi hai. और पंजाबी और उर्दू जबान हिंदी जबान जबानी सारे बहुत मीठे हैं लेकिन पंजाबी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी जबान में बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं बाबा बुल्ले शाह और बहुत सारे बाबा फरीद और बहुत सारे हुए हैं तो उन्होंने इश्क की बात करी है जिन्होंने भी करी है और प्यार की बात करी है हीर रांझा सब जी सब इश्क की बात करी है तो पंजाबी मैं ये कहूंगा कि मैंने अल्कोहल से प्रमोट करी वो बात अलग है पार्टी से प्रमोट करी वो बात अलग है लेकिन पंजाबी का मतलब इश्क है पंजाबी का मतलब ही इश्क है मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है आज ना कुछ बोलने का आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू This is really amazing. This is the first time, of course, I'm talking to you. I had no idea that, you know, this conversation will take this way or this turn. Because jab main Milan Paji se last time baat kar rahi thi, so he told me ki Honey Paji na bahut naughty hai. बहुत शैतान है बहुत प्रैंक्स करते हैं इवन टोल्ड मी कि आपने कैसे रात को बैठ के ऐसे ही प्रिया को कॉल करके पूछा था कि ये तो शादी की डेट बता नहीं रहा तो तू ही बता दे करके सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हमको ना वो शैतान वाले हनी बाजी दिखेंगे बट इवन दिस साइड ऑफ योर्स ऑफ कोर्स आई एम लविंग दिस एज वेल थैंक यू सुरेश रैना बाजी लाइव आए हैं हमारे साथ जतिन सरना मेरा दोस्त मेरा प्यारा सुरेश बाजी आई लव यू यू आर अ लेजेंड बाजी You are pride of India. Zayden boy, what's happening, dear? Zayden is live with us as well. Wow, you know what? आप सबको देख रहे हो और मैं सिर्फ आपको देख रही हूँ फिलहाल. मेरा concentration, मेरा focus इधर है. Thank you so much. No, but that's really nice that you're reading. That shows how much you're connected with everybody who's a part of your circle. And I have like, see, जब आप artist होते हो तो अच्छी बुरी बातें दोनों होती हैं. But there are a couple of people जिनके मुंह से ना मैंने कभी आपके बारे में कुछ भी इधर उधर नहीं सुना है. One of them is Diljit. Like he speaks so highly of you. And you have done the song Panga together. My husband still loves Panga like anything. So I want to know about your and Diljit's relationship as well. Diljit bhai bahut suljha hua aur bahut samajhdar insaan hai. Bahut simple aadmi hai. Jab wo mujhe mile to 2009 ki baat hai. To mere paas aaye main Punjab mein kafi mukammal music director ban chuka tha aur kafi log mere paas aa rahe the. Then Diljit paaji ka usse pehle style kuch aur tha. Wo simple se meethe meethe gaane gaate the. Lekin unki personality mein ek akad एक घमंड और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे तो मैंने उनको बोला कि यार आपकी जो पर्सनालिटी आपने ऐसा कभी गाया नहीं आज तक तो कहते मैंने ऐसे कभी लिरिक्स किसी से लिए नहीं तो मुझे भी आज भी याद है कि हम ब्राउन शुगर एम ब्लॉक मार्केट में मोमोज खाने गए तो ये बात गाड़ी में हो रही थी तो जो उनका मैनेजर था वो गाड़ी चला रहा था वो सब कुछ करता रहा प्रीति नाम है उसका बहुत बढ़िया राइटर है पंजाब से तो प्रीति कहता पाजी मैं एक लाइन लिखी थी कि पहला बोली दानी फिर पीछे हट्टी दानी जदों पंगा पै जाए मैंने कहा गाड़ी मोमोज को मारो गोली और गाड़ी घुमाओ स्टूडियो और फिर वहाँ चल के मैंने वो गाना बनाया तकरीबन एक डेढ़ घंटे में गाना बन गया दिलजीत भाई ने गाया देन दिलजीत भाई सेड कि आपको लग रहा है ये मेरे से लोग ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ और ये कर सकता हूँ तो मैंने कहा भाजी आपने नॉर्मल एल्बम करनी है कि नेक्स्ट लेवल करनी है तो वो कहते हैं नेक्स्ट लेवल करनी है अपने एल्बम का नाम रखा नेक्स्ट लेवल फिर उसके बाद दिलजीत भाई सिर्फ दिलजीत नाम से जाने जाते थे देन आई सजेस्टेड हिम कि आप साथ में अपने पिंड का नाम लगाओ तो उन्होंने अपने पिंड का नाम लगाया दिलजीत दोसांज और आज दिलजीत दोसांज एक बहुत बड़ा सुपर मेगा स्टार है हमारे पंजाबी इंडस्ट्री से बहुत स्ट्रगल किया है भाई ने तकरीबन 20 साल का करियर है छोटी सी उम्र में शुरू किया था उन्होंने फाइन टोन स्टूडियो से शुरू किया था उन्होंने एंड राइट नाउ इज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड वी प्राउड ऑफ हिम We're really proud of him और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उस इंसान के शुरुआती दिनों में उसके साथ काम किया बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है और बहुत बेहतरीन सिंपल इंसान है बहुत स्टेज पे जो फायर है उस इंसान की उतना ही काम है वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में and I really like and respect him
एंड आई जस्ट रेड वन कॉमेंट, आई एम सो सॉरी, आई रेड अली गोनीज कॉमेंट, ही सेड पाजी हमने चंडीगढ़ में बड़े पंगे किए ये गाना सुनते हुए. अली भाई है पंगेबाज आदमी, अली भाई फुल पंगेबाज आदमी है, फुल एनर्जी आदमी है, लव यू अली भाई. That is so cool. I mean, yes, वो गाना इतना pump up कर देता है आपको, और आपके सारे लिखे हुए गाने there, so I mean you can connect with it because see I'm married to my school's best friend. तो हम आज भी एक दूसरे को छेड़ते ऐसे बोल के कि मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ मैं वही लौंडा हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ. Wow. क्या बात है, मिया जी भी शायर है आपके. हम यही करते हैं, हम आपके गानों में लिटरली इस तरीके से एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं बिकॉज वो बहुत रिलेटेबल है. दैट्स व्हाई आई सेड व्हेन आई गॉट अ चांस टू टॉक टू यू टुडे आई हैव बीन योर फैन. आई एम अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, ऑफ कोर्स आई एम हियर फॉर माय प्रोफेशनल कमिटमेंट, बट आई लव पंजाबी म्यूजिक एंड आई लव योर सॉन्ग्स, योर राइटिंग. आई हैव डांस टू ब्लू आईज आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, आई एम गोना डांस ऑन टुगेदर फॉरएवर आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स. और पेरिस का ट्रिप तो हमारा वो स्कूटी पे भी चलता है, लाइक ये लगा होता है कानों में और वो चल रहा होता है. थैंक यू मैम, दैट इज सो लवली. ओके नाउ ऐसे तो मैं मतलब अपने फैंडम मतलब वो फैन वाले जोन में खो जाऊंगी. आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू. ओके सो टेल मी दिस थिंग, नाउ तो यू आर सेइंग कि 3.0 इज अ न्यू वर्जन ऑफ यू कंप्लीटली, है ना? बट आई वांट टू नो दैट वन थिंग व्हिच विल नेवर एवर चेंज. व्हिच विल नेवर एवर चेंज? यस, माय बेस्ट फ्रेंड्स. योर बेस्ट फ्रेंड्स? ओके परफेक्ट. मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे सबसे क्लोज मेरे दिल के हैं, 25 साल से मेरी दोस्ती है, और मेरे बिजनेस मैनेजर है रोहित छाबड़ा, और एक बहुत ही स्पेशल इंसान मेरी जिंदगी में जो हर बुरे और सही वक्त पे खड़ा हुआ, उसका नाम है मधुकांत सहगल. मेरे स्ट्रगलिंग डेज में उन्होंने मुझे आर्थिक मदद की, फाइनेंशियल मदद की. 3 साल तक मेरे पास पैसे नहीं होते थे, गाड़ी में तेल भरवाने के भी, कपड़े भी उसके पैसों से मैं खरीद. And, we lost ours, yeah. उसके बाद मेरा छोटा भाई उमेश शर्मा, और बहुत सारे क्लोज फ्रेंड है मेरे, एलए से है इंडो, और दुबई से है जैक, प्रदीप भाई. तो मुझे लगता है ये लोग कभी जिंदगी में चेंज नहीं होंगे, ना मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ. ये लोग एक्चुअली में मेरे साथ कई सालों से हैं और बिल्कुल सेम है. आज भी हम वही बातें करते हैं, उसी तरह जिंदगी जीते हैं, वो उसी तरह एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं. So I'm really proud of my all the brothers I made and all the friends I made and all the fans I made. So mujhe umeed hai ki mere jis tarah friends mere saath rahenge mere fans bhi mere saath rahenge. For sure. Okay. My next question to you is, jab fame insaan ko milta hai to kaun si ek cheez hai jo wo bahut zyada miss karta hai? Dekho, pehli baat ye hai ki जो सपने मैंने देख रखे हैं, मैं अभी उसके आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा हूं. तो मैंने एक्चुअली में वो फेम अभी तक देखा नहीं है जिस तक मैं पहुंच के कुछ ऐसा हो जो मैं मिस कर पाऊं. क्योंकि आज भी मैं करमपुरा से हूं, दिल्ली से, और मैं आज भी हफ्ते में एक बार ही करमपुरा जाता हूं और वहां पे चिकन टिक्का खाता हूं और चिकन कबाब्स खाता हूं जाके. तो मैं हर चीज वो करता हूं जो मैं पहले करता था, और बट नशे पत्ते नहीं करता हूं अब, वो सब मैंने छोड़ रखा है. पहले बहुत करता था, उस वजह से बीमार हुआ, और बाकी मैं ऐसा कुछ भी मिस नहीं करता हूँ एक्चुअली में. मेरे दोस्त हैं, अगर मुझसे दूर होते हैं या मैं उनको वक्त नहीं दे पाता हूँ तो किसी ना किसी तरह मुलाकात करता हूँ, और अपने माँ बाप को वक्त देता हूँ, और बाकी मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है उसको मिस करता हूँ बस. That is so sweet. मैं ना बीच में सारे कॉमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी. There are people who are saying कि बचपन से वो आपको अपना गुरु मानते हैं because we have actually grown up listening to you. They really want to be a part of this live conversation itself. But yes, we are running out of time. And वैसे मेरा तो मन नहीं कर रहा पाजी. पाजी सच्ची सच्ची बताना, अगर हमारे पास टाइम होता अभी आप मेरे से और बात करते ना. बिल्कुल बिल्कुल करता है ना. आई नो इट. सो बिफोर वी एक्चुअली एंड दिस कॉन्वर्सेशन आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस कि बहुत ही जल्द नेक्स्ट टाइम आप फिर से हमारे साथ आओगे लाइव एनी टाइम्स. डेफिनेटली. अब देखो मैं हर महीने गाने रिलीज करने वाला हूँ, और आई एम कमिंग टू योर स्टूडियो पाजी. आई लिव इन नोएडा. हाँ, मैं धावा बोल दूंगी. हाँ डेफिनेटली, आप नेक्स्ट टाइम जो मैं गाना रिलीज करने वाला हूँ नवम्बर में, उस गाने का नाम है पंखुड़ी. वाओ पाजी, 19 नवंबर रिलीज कर दो, मेरा बर्थडे.
I should have not said this. 19 नवंबर को बादशाह भाई का भी बर्थडे होता है. Yes, पाशा भाई. 24 नवंबर को डीप मनी का बर्थडे होता है. 28 अक्टूबर को रोहित भाई का बर्थडे होता है. और 6 दिसंबर को मेरी बहन का बर्थडे होता है. और 11 दिसंबर को किसी स्पेशल इंसान का बर्थडे होता है. तो 11 दिसंबर को तो खैर गाना आ ही रहा है. 19 का भी हम देख लेते हैं, मतलब क्या सीन बनता है. ठीक है. But thank you so much for being this candid, this honest, and this modest. Yo, yo, honey, saying all the time, together forever. Keep blessing, keep loving. Peace out. Peace out, Paji. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal.